Hello everyone, welcome back to my channel Infinity Research. Hope all of you doing well and fine. My name is Preeti, I am research scholar at IIT Bombay. So, इस चैनल पे हम PhD एडमिशन के एडवर्टाइजमेंट और नोटिफिकेशन डिस्कस करते हैं. तो आप यहाँ पे मेरे लेटेस्ट वीडियोस देख सकते हो या फिर प्लेलिस्ट में जाके आपके फेवरेट इंस्टीट्यूट के हिसाब से वीडियोस चेक कर सकते हो. मेरे अपकमिंग वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. वीडियो देखने के बाद आप कुछ भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके या फिर टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो. तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के बारे में. तो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की तरफ से पीएचडी के लिए एप्लीकेशन किए गए हैं. उसके लिए आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, विजिट guwahati.ac.in. उसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रोलिंग में दिख जाएगा पीएचडी एडमिशन कैंपस लाइव नाइन, उस पर हमें क्लिक करना है. तो ये पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको पीएचडी के कैप रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी, जहाँ पे आपको सेंट्रल एप्लीकेशन प्रोसेस जो है कैप का वो सारा डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा. उसके लिए आपको यहाँ पे गो कैप पे जाना पड़ेगा. पीएचडी एडमिशन के डिटेल के लिए आपको यहाँ पे पीएचडी एडमिशन पे जाना है, जहाँ पे आपको एप्लीकेशन गाइडलाइन मिल जाएगी. तो एप्लीकेशन गाइडलाइन हम पहले डिस्कस कर लेते हैं. तो फर्स्टली तो ओवरव्यू दिया हुआ है पीएचडी प्रोग्राम के लिए. उसके बाद उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो प्रोसेस है वो 3 टायर में होगा. तो फर्स्ट है आपको कैप अप्लाई करना है, उसके बाद गोरेट 2023 हो गए, उसके बाद काउंसलिंग होगी और कंप्लीटिंग कैंप डज नॉट गारंटी कि आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा. उसके बाद के प्रोसेस भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे. और ऑल एप्लीकेंट इंटरनेशनल जो है उनको IRW इंटरनेशनल रिलेशन विंग में जाना है और बाकी के कैप को जाना है. ठीक है. और एनी और जिनके पास ऑलरेडी फेलोशिप है वो एग्जेम्प्ट किए हुए हैं एग्जाम से, तो उसके लिए आपको ये एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ चेक करना है. ठीक है. तो यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी मेंशन किया हुआ है, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट ऑफ जीयू और एनी अदर इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से होगा इन द एरिया ऑफ, जैसे आर्ट है, साइंस है, कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, लॉ है, टेक्नोलॉजी है, फाइनेंस है, इंजीनियरिंग है और मेडिसिन है. जो और अदर प्रोफेशनल कोर्सेज है उनको एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए. और SCST के लिए 5% रिलैक्सेशन है. और मेडिकल साइंस के लिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. और जो भी एप्लीकेंट इन सर्विस में है उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना है. उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर मेंशन किया हुआ है. तो GURTE 2023 100 मार्क्स का होगा और जो सिलेक्शन होगा डिपार्टमेंट लेवल पे वो क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंड रहेगा GURTE से. उसके बाद यहाँ पे आपको डेट्स भी मिल जाएंगे. तो इम्पोर्टेंट डेट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे. तो फर्स्टली तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है कैप के लिए, तो वो 2nd of June को स्टार्ट होगा, हो गया है ऑलरेडी. और लास्ट डेट जो है वो 15th of June है, तो उससे पहले आपको एप्लीकेशन करना है. और जो डेट ऑफ एग्जाम है वो संडे को है, 2nd of July को. उसके बाद मेन तो आपको 27 जून को एडमिट कार्ड इशू होंगे. और जो पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट जो है एग्जेम्प्टेड है एप्लीकेंट, उनका लिस्ट 23 जून को पब्लिश होगा. उसके बाद यहाँ पे आपको डिसिप्लिन मिल जाएगा. तो यहाँ पे डिसिप्लिन सारे मेंशन किए हुए हैं विद नंबर ऑफ वैकेंसी. तो यहाँ पे पूरे डिसिप्लिन के हिसाब से, जैसे एंथ्रोपोलॉजी है उसमें 9 वैकेंसीज है, केमिकल साइंस में 4 है, फिजिकल साइंस में 2 है, अरेबिक के लिए 2 है, आसमी के लिए 14 है, बंगाली के लिए 2 है, बायो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए 5 है, बायोटेक के लिए 6 है, बोडो के लिए 2 है, बोटनी के लिए 14 है, केमिस्ट्री के लिए 9 है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 1 है, क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए 4 और 12 है, कॉमर्स के लिए 5 है, कंप्यूटर साइंस 2 है, ईसी 5 है, इकोनॉमिक 6 है, उसके बाद ईटीसी 3 है, एजुकेशन 5 है, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 4 है, फिर इंग्लिश के लिए 9 है, एनवायरमेंटल साइंस के लिए 2 है, रिसर्च के लिए 4 है, ज्योग्राफी 9 है,
तो ऐसे आपके आपके डिसिप्लिन के हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकते हो, बहुत सारे वैकेंसीज है और सारे डिसिप्लिन में वैकेंसीज अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे कैप पे जाके एप्लीकेशन चेक कर सकते हो और यहाँ पे आपको सारा इम्पोर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेरी आई जो आरटी 2023 के बारे में भी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे कि कैसे होने वाला है एग्जाम ऑफलाइन। एग्जाम जो है ऑफलाइन मोड में होगा, 120 मिनट्स के लिए, 2 आवर्स के लिए, और 100 MCQ क्वेश्चन होंगे, और 1 मार्क राइट मार्क के लिए देंगे, और 1/4 जो है 0.25 डिडक्ट होगा नेगेटिव मार्किंग। फिर जो एग्जेम्प्टेड किए हुए हैं उनके बारे में डिटेल दिया हुआ है, जैसे CSIR, UGC, JRF है, वो सब एग्जाम किए हुए हैं, और एनी अदर नेशनल लेवल एग्जाम वो एग्जाम किए हुए हैं फॉर द टेस्ट, सब यहाँ पे डिटेल मेंशन किया हुआ है। तो फर्दर इसके लिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो आपको बस ध्यान रखना है कि आपको 15 जून से पहले एप्लीकेशन फिल करना है, क्योंकि वो लास्ट डेट है, उससे पहले आपको एप्लीकेशन फिल कर देना है। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।